नमस्कार, मैं विकास कुमार। मनीष झा और उसकी पत्नी मोना झा और उसके 3 साल के बेटे सम्राट की मौत पर जो रिपोर्टिंग मीडिया में आई या हमने भी जो रिपोर्टिंग की, वो मौत के रात के लगभग 9 बजे के आसपास के वीडियो सीसीटीवी फुटेज सबके सामने आए। दरअसल मनीष झा को 10:32 पर एक सीसीटीवी कैमरा था जो उसे कैद कर रहा था। उस सीसीटीवी कैमरे में आखिर है क्या, और उस तस्वीर को देखने के बाद हम भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि कोई इंसान अगर 4-5 घंटों के बाद आत्महत्या करने वाला हो, वो इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है। ये बात तो कोई मनोचिकित्सक ही बता सकते हैं। 10:32 यानी जिस दिन घटना हुई सामने आई 25 फरवरी को, 24 फरवरी की रात 10:32 के आसपास मनीष अपने मेडिकल कॉलेज के सामने के पास जो घर है, वहां से अपने 3 साल के बेटे सम्राट को लेकर टहलाता हुआ सामने की दुकान में आता है और वहां कुछ खरीदता है, और 5-7 बाद फिर मनीष अपने बच्चे को टहलाते हुए घर पहुंचता है। ये जो मनीष का बिहेवियर कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, उसे देखकर हम भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि जो इंसान 4 घंटे 5 घंटे 7 घंटे के बाद पूरा परिवार उसका आत्महत्या करने जा रहा हो, पूरा परिवार खत्म होने जा रहा हो, वो इतना नॉर्मल कैसे रह सकता है। ये एक बड़ा सवाल है, और इसी तस्वीर ने कई सवाल भी खड़े कर दिए। सवाल ये कि कोई भी शख्स जब इतना बड़ा स्टेप उठाने जा रहा हो, तो उस बारे में जो पास्ट चीजें बीती हैं उस बारे में गहन चिंतन करता है कि उसके साथ क्या क्या हुई। वो काफी, ये सुसाइडल जो अटेम्प्ट है, ये बहुत बड़ा अटेम्प्ट है। जब वो लेने जा रहा हो तो वो निश्चित तौर पर परेशान होगा, कुछ अलग सा दिखेगा, लेकिन उसके बिहेवियर में कुछ भी अलग सा नहीं दिखा। आज हम आपको दिखाते हैं रात 9 बजे तक के बाद, 9 बजे तक के पहले का। आपने देखा होगा कि मनीष झा की पत्नी मोना झा रेस्टोरेंट में देखी गई। किसके साथ देखी गई, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, और हमारा दिखाने का मकसद भी ये नहीं था कि किसके साथ देखी गई या कौन था। हमारा मुद्दा दिखाने के पीछे यही था कि एक परिवार खत्म होने जा रहा है और बहुत सामान्य सी जिंदगी वो जी रहा है। पत्नी रेस्टोरेंट जा रही है, पति 10:30 रात में बच्चे को टहलाता हुआ नॉर्मल रूटीन के मुताबिक सामने की दुकान में आता है, बिस्किट कुरकुरे जो भी सामान का वो लिस्ट मुझे नहीं पता, जो भी खरीदना हो बच्चे के लिए खरीदता है, फिर टहलाता हुआ एक सामान्य आदमी की तरह अपने घर जाता है। ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करते हैं कि क्या ये आत्महत्या है या एक सोची समझी साजिश है। हालांकि पुलिस के सूत्र बताते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है, ये पुलिस सूत्रों के मुताबिक मनीष की पत्नी और मनीष दोनों के मौत का समय लगभग एक ही रहा है या एक ही रहा होगा। बच्चे की मौत की बात जहां तक है, वो कुछ पहले का बताया जा रहा है। और जो एक बातें जो सबके सामने आ रही है शुरू डे फर्स्ट से, इस घटना के पहले दिन से, 25 तारीख से ही एक बातें सबके सामने आ रही है कि बच्चे को जहर देकर मारा गया होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही थी और पुलिस ने भी ऐसी संभावनाएं जताई थी। मैं स्पष्ट कर दूं, पुलिस के सूत्रों ने बताया है बच्चे की मौत दम घुटने से हुई है। ये दम किसी भी प्रकार से घुट सकते हैं, पिलो से दबाया गया होगा, जिसकी संभावनाएं ज्यादा जताई जा रही है।
अब सवाल फिर वहीं जाके खड़ा होता है जब उस 3 साल के मासूम को पिलो से दबाया जा रहा होगा, वो छटपटा रहा होगा, वो पांव हाथ फेंक रहा होगा, वो पुकार रहा होगा, मां पापा बचाओ। तो क्या जिसे बचाने के गुहार लगा रहा होगा वो बच्चा, वही उसके कातिल हो सकते हैं या हैं? ये तमाम चीजें पुलिसिया तफ्तीश में सामने आएगी। लेकिन अब तक के जो पुलिसिया तफ्तीश में सामने आई है, जो पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, मनीष झा की पत्नी, दोनों के मौत के टाइमिंग लगभग बराबर हैं। बच्चे की मौत पहले हो सकती है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। इस बीच कई बातें सामने आ रही है। मनीष झा की पत्नी और मनीष झा के हाथ बंधे रहना, इस सवाल का जवाब हम भी चाहेंगे कि कटिहार पुलिस दे, क्योंकि ये एक सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। दूसरा कि जो शख्स 4 घंटे बाद या 5 घंटे बाद या 10 घंटे बाद मरने वाला हो, वो 10 घंटे पहले एकदम सामान्य आदमी की जिंदगी कैसे जी रहा था। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर हत्या हुई है, फिर सुसाइड नोट है उसकी क्या कहानी है। एक बड़ा सवाल है। अगर मान लेते हैं जो लोग कह रहे थे कि हत्या हुई है, कई लोगों के कई ओपिनियन हैं इसमें, अगर हत्या हुई है तो फिर सुसाइड नोट की क्या कहानी है, क्या संभावनाएं हैं इस केस में। मनीष जो मरने वाला होता है पूरे परिवार के साथ, उसकी रूटीन बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, उसकी पत्नी की रूटीन नॉर्मल दिखती है, इसलिए सवाल बनते हैं, सवाल खड़े होते हैं। जो फंदे पे लटकी लाशें मिली हैं, उन दोनों लाशों का हाथ बंधा होना, ये भी एक सवाल खड़ा करता है। सुसाइड नोट वो एक अलग कहानी खड़ा करती है, एक अलग कहानी बयां करती है। फिलहाल कटिहार पुलिस ने उन 4 नाम, मनोज यादव, किशोर कुमार सिंह, बम बम और पिंटू भैया, उन तमाम लोगों के चेहरे जो सिर्फ इस नाम के पीछे छुपे हुए थे, उन तमाम लोगों के चेहरे साफ कर चुकी है। पुलिसिया सूत्र से हमें जानकारी मिली है कि जो 4 नाम हैं, उन 4 नामों के चेहरे बिल्कुल साफ हो चुके हैं और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तफ्तीश लगभग समाप्ति की ओर है। इन 4 लोगों के गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोर्ट में वारंट के लिए प्रे भी कर रही है मैजिस्ट्रेट के सामने। तो ये एक बड़ा अपडेट है। हम आपको इस बारे में और तथ्य और विचार जो क्या चल रहे हैं उस बारे में भी बताते हैं, लेकिन सबसे पहले सुनिए कटिहार के SP विकास कुमार ने क्या कहा मनीष के इस मौत मिस्ट्री के बारे में। क्या उनकी पत्नी और उनके बच्चे की जो मृत्यु हुई है उस संबंध में मुफस्सिल थाना में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण का मामला दर्ज किया गया है, प्राथमिकी दर्ज की गई है और सभी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। जो उसमें शामिल संलिप्त अपराधकर्मी हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध गिरफ्तारी का प्रयास जारी है और वारंट भी उनका माननीय न्यायालय से प्राप्त किया जा रहा है। इसमें क्या है प्राइम मिनिस्टर कारण के सूद का रैकेट की चर्चा है, कुछ ऑडियो भी वायरल हुआ है, इस तरह की बात है। जो उनका सुसाइडल नोट मनीष झा का मिला है उसके अनुसार ये बात प्रकाश में आई है कि उनके द्वारा कुछ प्राइवेट लोगों से कर्ज लिया गया था जिसके रिकवरी के लिए उन पर दबाव था। बाकी तो अनुसंधान का विषय। उन लोगों की पहचान हो गई है सर, जो जिनका नाम हाँ पत्र के माध्यम से कुछ लोगों का नाम सत्यापित है और कुछ लोगों का नाम सत्यापन किया जाना बाकी। सर अब पुलिस क्या करेगी, कोई टीम गठित की गई है? हाँ, पुलिस के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है और जल्द ही इसमें जो साइंटिफिक अनुसंधान से संबंधित बिंदु हैं उन पर जांच कर ली जाएगी और अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या हत्या की बात है या कुछ खुलासा अब तक? पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर। इन सबों में सबसे हृदय विदारक जो तस्वीर है वो बच्चे की तस्वीर आई, जो अंदर से किसी को भी झकझोर दे देगी या झकझोर दी होगी। उस तस्वीर में एक तस्वीर बताया जा रहा है कि मौत के बाद जब दाह संस्कार किया जा रहा था तो हिंदू धर्म में शव को स्नान कराना होता है। आप जरा इसको समझिए कि जिस बच्चे को लेकर स्नान कराया गया, उसे कंधे पर उठाकर जब चिता के पास लाया गया, वो तस्वीर कैसी होगी, वो दृश्य कैसा होगा, मैंने देखा नहीं, मैंने सुना, और सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। नहीं हिम्मत है मेरे में किसी बच्चे की मौत की वो तस्वीर या इस वाकिये को देखना। दर्द होता है इन तस्वीरों को देखकर। अगर वजह आत्महत्या कर्ज के दबाव के कारण है तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने आत्महत्या के लिए बाध्य किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज हम कटिहार के तमाम लोगों से, टाइम्स न्यूज और हमारी पूरी टीम आपसे अपील करती है कि अगर आप भी गुंडा साहूकार और सूदखोर के चक्कर में फंसे हैं, परेशान हैं, तो उसकी लिखित शिकायत पुलिस को दें। अगर पुलिस नहीं सुनती है तो आप इसकी शिकायत हमें दें, हम लड़ेंगे आपके लिए, हम नहीं बनने देंगे आपको अगला मनीष। ये टाइम्स न्यूज की पूरी टीम का आपके साथ वादा है। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।